अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अबूजा के आउटस्कर्ट्स में और यहाँ पर मुझे तकरीबन 2 घंटे हुए। मैं उससे पहले आया था। यहाँ पर एक दोस्त था, उसका घर था, गांव है यहाँ पर आगे पीछे और ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर पीछे है, तो ये कच्ची रोड है। अभी यहाँ से मैं वापसी के लिए जा रहा हूँ क्योंकि शाम होने वाली है और शाम से पहले घर पहुँचना है और यहाँ के हालात ठीक नहीं है सिक्योरिटी वाइज। तो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं जल्दी निकल जाऊँ, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। और आजकल ड्राई सीज़न है यहाँ पर, तो जो जितनी भी झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी खुश्क हुई हैं। एक चीज़ हाँ, जो मैं मेरा शौक था या दिल कर रहा था कि यार यहाँ पर जो सूरज गुरूब होता है उसको देखूँ, लेकिन देख नहीं पाया मैं उसको क्योंकि शाम हो जाएगी और ये कच्चा रास्ता इसी तरह 8-10 किलोमीटर तक चलता है, तो सिक्योरिटी का कोई भी वाकया इस किस्म का पेश आ सकता है। तो अभी वापसी के लिए जो मैं निकल रहा हूँ। दोस्त का जो गांव था वो बड़ा खूबसूरत था, मिट्टी के घर बने हुए थे। अनफॉर्चुनेटली ये मुझे मुनासिब नहीं लगा और मैं वहाँ कोई वीडियो नहीं बना सका। और उसके बाद जो ना, हाँ एक चीज़ वहाँ पर जो देखने में मिली कि जैसे गांव के लोग एक फॉरनर को या जो बाहर से लोग आते हैं उनको देखते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह अब वहाँ पर माहौल था और उन्होंने इसी तरह मुझे जो है ना एक बड़ा अजनबी निगाहों से सब लोग देख रहे थे। खैर, अभी वापसी के लिए मैंने सफ़र बांधा और यहाँ से शायद 1 घंटे की ड्राइव मैंने अबूजा सिटी पहुँचना है, तो होपफुली शाम से पहले पहुँच जाऊँगा। अबूजा के आउटस्कर्ट के इस गाँव से अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।